ठीक है, तो जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं दैट फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, चार्ज इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट इलेक्ट्रिकली विथ ईच अदर। क्या बोला? चार्ज इज दैट फंडामेंटल, चार्ज इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट इलेक्ट्रिकली विथ ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें करंट जैसा कुछ भी दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ भी दिख रहा है, मतलब उसमें क्या चीज है? तो उसमें चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय लेटर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। ठीक है ना, कुछ ऑथर्स कैपिटल क्यू लिखते हैं, कुछ ऑथर्स स्मॉल क्यू लिखते हैं, लेकिन कुल मिला के जब भी चार्ज की बात आएगी तो उसको हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? क्यू, इधर कैपिटल और स्मॉल। प्राइमरीली अगर हम लोग क्लास 10th की बात करें तो हम लोग 95% जगहों पर कैपिटल लेटर क्यू ही देखोगे। किसके लिए? चार्ज के लिए। चार्ज के लिए आप 95% जगहों पर कौन सा लेटर देखोगे? क्यू। ओके, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और उसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल सी से। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन से होते हैं बेटा दो तरह के चार्जेस? जल्दी बोलो, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओ ओके, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सार्थक, यू आर सेइंग समथिंग एल्स? बोल बेटा, क्या बोल रहा था? बहुत बढ़िया प्रथम। ठीक है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नंदिनी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, मतलब उनकी वजह से चार्जेस बनते हैं। ठीक है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओके चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, एक एटम पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करता है? एक एटम पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करता है? When it loses electrons, when it loses electron, क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए चार्ज किसका आ जाएगा? पॉजिटिव। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट होगा? नेगेटिव चार्ज तब क्रिएट होगा व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट होगा? व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों बेटा? जब एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी लेस देन इलेक्ट्रॉन, तब प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? कम, पॉजिटिव वाला कम हो जाएगा, नेगेटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो क्योंकि ओवरऑल और ओवरऑल चार्ज नेगेटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे दैट प्लस 8। तो यहां पर हमारे पास +8 कूलम का चार्ज आता। सिमिलरली मेरे पास अगर -5 कूलम और -3 कूलम का चार्ज होता तो हमारे पास कितना आता?
-8 कूलम का चार्ज आपके, -8। बहुत बढ़िया। और अगर +5 कूलम का चार्ज होता और -3 कूलम का चार्ज होता तो -2 +2 +2 +2 कूलम +2। का चार्ज होता, बहुत बढ़िया नंदनी। और तो हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखी तो हम लोगों ने सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी कि जो लाइक चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर भगाते हैं, इसलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या बोलेंगे, चलभक। नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या बोलेंगे, चलभक। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बोलेंगे आचार। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखी बेटा, दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। दैट मींस जिस तरीके से चार्जेस को हम लोग एडलेस, मैथ्स के नंबर्स को एडलेस करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्जेस को भी एडलेस कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी, जो प्रथम ने ऑलरेडी मुझे चैट में लिखकर बता दी, बहुत बढ़िया बच्चा प्रथम। दैट मींस यू आर स्टार्टिंग एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। तीसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्व। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्जेस आर कंजर्व। और इस बात का मतलब क्या होता है, दैट चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉयड। क्यों ऐसा, चार्जेस को हम लोग क्रिएट क्यों नहीं कर सकते, चार्जेस को हम लोग डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में हर चीज में इलेक्ट्रॉन भी है, हर चीज में प्रोटॉन भी है। चार्जेस कब आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। पर आप इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं। आप प्रोटॉन क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं। ठीक है, तो चार्जेस कब हम लोग बोलते हैं, दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड। इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब ये होता है दैट चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, स्प्लैश, चार्जेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा चार्ज की, वो होती है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां से लाइट के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। सार्थक, पलाश, यहां से लाइट के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, चौथी प्रॉपर्टी से, दैट सेज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब सबसे पहले सार्थक मुझे बताएगा कि चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है। अभी बताया था। हाँ, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर क्या होगा, अगर क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो चार्ज बनेगा कैसे? चार्ज बनेगा ऐसे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे के पास, किसी के पास? नंदिनी, कैसे बनेगा चार्ज? चार्ज हाउ डू वी गेट चार्ज, हमको चार्ज मिलेगा कैसे? हाउ डू वी से कि ये चीज पॉजिटिव चार्ज है, आया कहाँ से उससे पॉजिटिव चार्ज? वेरी गुड पलाश, बिकॉज बोलो बोलो नंदिनी, कंटिन्यू। इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़िया। पर सार्थक, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो प्लस का चार्ज आ जाएगा। याद करो, मैंने लास्ट ईयर सिखाया था, जो देता है वो अच्छा होता है इसलिए वो पॉजिटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आई बात समझ में? पर जब इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होगी तब क्या हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? हाँ, हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्या हम 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? हाँ, हम 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्या हम लोग 1050 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं या ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। पर क्या मैं 7.35 इलेक्ट्रॉन दे सकती हूँ क्या? नो। क्या मैं 3.45 इलेक्ट्रॉन दे सकती हूँ क्या? नहीं।
मैं 100.25 इलेक्ट्रॉन्स दे सकती हूँ क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं भी दे सकते। जाएंगे, वेरी गुड प्रथम, इलेक्ट्रॉन जब भी गेन होंगे या इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे? इन होल नंबर्स। इलेक्ट्रॉन गेन होगा या लॉस होगा, वो हमेशा कैसा होगा? इन होल नंबर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, वेर क्यू क्या है हमारे पास? चार्ज। वेरी गुड पलाश। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आपको ट्रांसफर करने हो, 1, 2, 10, 15 हजार, 10 हजार, 10^25 सारे। और ई क्या है बेटा? ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। इसकी वैल्यू आपको बाय हार्ट लर्न करनी है, विच इज 1.6 × 10^-19 कूलम। इज इट क्लियर समवत? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, यानी कि अगर चार इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ट्रांसफर हुए, इफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, तो चार्ज कितना आएगा? 4 × 1.6 × 10^-19, विच इज इक्वल्स टू 6.4 × 10^-19 कूलम। यस, ये क्या है? एन। ये क्या है? ई। और हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? क्यू। हाँ सार्थक, समझ में आया? मीटिंग बीच में छूट गई थी। हाँ, नहीं आया था, थोड़ा मीटिंग छूट गई थी ना। बेटा, हम लोगों ने चार्ज का फॉर्मूला लिखा, क्यू इक्वल्स टू एनी। क्या लिखा चार्ज का फॉर्मूला? क्यू क्यू इक्वल्स टू इक्वल टू एनी। एनी। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है बेटा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि मैंने 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, 100, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 100। ई हंड्रेड की वैल्यू फिक्स रहती है, कितनी? 1.6 × 10^-19। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 160 × 10^-19 कूलम। पलाश ने मेरे को बोला कि दीदी छोटी मोटी बातें मत करो, थोड़े बड़े नंबर लो। तो मैंने कहा ठीक है पलाश, तू बोल रहा है तो अपन लोग 2 × 10^28 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। ठीक है पलाश, है ना सार्थक? ठीक है, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 1.6 × 10^-19। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो 2 है, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 10^28 है, इसको हम लोग 10^-19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 1.6 वुड बी कितना? 3.2, और 10^28 − 19, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3.2 × 10^28 − 19 कितना होगा? 9। नाइन तो 3.2 × 10^9 कूलम। इज इट क्लियर? यस। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ